तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। आज राखी का त्यौहार है, उसके लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और पूजा पाठ करके हमारा सब कुछ तैयारी हो चुकी है, पूजा भी हो चुकी है। अब सामने से निशांत की बहन आएंगी, दो बहन उसकी हैं और जिनका नाम है नितिका और चेतना, वो आके राखी बांधेंगी सात्विक के और निशांत के। तो उनका आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे भी आएंगे, उनके राखी का प्रोग्राम होगा, उसके बाद में फिर हम लंच वंच करते हैं। तो आगे के प्रोग्राम के लिए हमारे साथ आप बने रहिए और दिखाते हैं आपको राखी का त्यौहार। तो भाई, नितिका और चेतना आ चुकी हैं और वो सबसे पहले राधा जी के और कान्हा जी के राखी बांधेंगी, उसके बाद निशांत और सात्विक के राखी बांधेंगी। अरे भूल जाता है ना, क्या चल 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 कितनी खुश हो रही है। इधर थोड़ा साइड में इधर क्यों, हाँ हाँ छू, वेरी गुड। दोनों हाथ लगा लेकर माथे में भी लगाते हैं इसको, खाली छूना नहीं होता। छोटे बच्चे नहीं, छोटी बहन है। बच्चा है तो बच्चा है ना, बस वीडियो के लिए। अरे आ जाओ, ठीक है, हो गया क्या क्या बात। तो गाइस, हमारा लंच हो चुका है और निशान के पापा का, और निशान तो सात्विक का एक प्लान बना है कि हम अभी जाएंगे और जाकर कुछ शॉपिंग करके आएंगे, उसमें से पतंगे लेकर आएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने बोला निशान से कि मेरे लिए एक झंडा लेकर आना बड़ा सा और कैंडल लेकर आना। तो ये लोग तो मार्केट में निकल रहे हैं, जब तक मैं अपना घर का किचन का काम निपटा लेती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। ये लोग मार्केट से आ गए हैं और क्या क्या लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। इसी काम के लिए लाया था ना। तो गाइस देखो, इसने क्या करा है, इससे मंगाया था झंडा और खाली ये डंडा लेकर आया और झंडा इसने रास्ते में उड़ा दिया। इतना गुस्सा आया ना, इसी से पिटेगा अब ये। तूने करा क्या, ये बता जरा। गलती से हो गया, जन्म कर्म में तो झंडा मंगवाया वो भी तूने उड़ा दिया और डंडा लेकर आ गया। बताओ क्या क्या लेकर आए हो। अच्छा, ये लेकर आए हैं पतंगे, टोटल तो 28 है। अच्छा अच्छा, ये 20 है, ये छोटी छोटी वाली, ठीक है। अच्छा, और ये तिरंगा वाली पतंग, ये 4। मेरा तिरंगा दिखा दिखा के ना तूने मेरे मन खराब कर दिया। मेरा मन था इतना कि तिरंगा फहराऊंगी मैं छत पे अपने प्यारे से। और क्या है, ये कैंडल्स है, ये कैंडल्स लेकर आए हैं। कितनी है कैंडल्स, ये 4 कैंडल्स हैं और 28 पतंगे हैं। ये शाम को हम कैंडल लाएंगे, फिर देखते हैं। एक चीज़ इतनी अच्छी आई है ना, बहुत अच्छी आई है, वो मुझे देख के बहुत मन खुश हो गया मेरा।
झंडे से तो थोड़ा उदास हुआ कि मुझे मिला नहीं, लेकिन ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, मैं आपको मिलाती हूँ। हमारे पास क्या आया है, हमारे पास पैरट आए हैं, चार पैरट हैं, दो जोड़े हैं। हाँ हाँ दो जोड़े हैं, मतलब चार चार पैरट, मतलब दो जोड़े होगा ना, दो दो के, एक वाइट वाइट है और येलो है। ये कुछ एसेसरीज हैं, ये इनका खाने का है, इसमें दाना डाल दिया हमने, और ये पानी का है। इसको यहाँ से ऐसे ऊपर करते हैं और ये नीचे कर देते हैं। इसको भी ऐसे ये खाने का ऊपर करेंगे, डालेंगे चम्मच से। और ये इनका कनाज कुछ और ही है, इसको कलगी बोलते हैं, इसके पैकेट में लिखा हुआ था कलगी, तो ये इनको दिया जाता है। इनको गेहूं भी हम दे सकते हैं, वो भी भिगो कर देना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि इनसे हजम नहीं होगा। और ये इनका पानी है, और ये हमारे पैरट। पैरट एक दो बार हमने रखे थे, एक बार हम वृंदावन गए थे, वृंदावन से हमने लिए, मतलब वो बीमार था, उससे करंट लग गया था, तो हमने उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा किया, उसको घर ले आए थे पिंजरे में रख के। और वो हमारे पास एक दो महीने रहा था ना निशांत, राधे, हमने उसका नाम राधे रखा था। वो लगभग दो महीने तक हमारे पास रहा था, और फिर सडनली ऐसा हुआ कि गेट खुले रह गए और वो उड़ के चला गया। क्या हो गया तेरी ऐसी दसी गाइजो? आज हम पैरट लाए थे, आज ही इसने एग दिया है, तो ये क्रैक हो गया। कहाँ से दिखाई दे रहा है? यहाँ से क्रैक है। हाँ यार, ये तो बड़ा बुरा हुआ, आते ही बताए परेशानी हो गई। आज ही आए थे और आज ही इन्होंने अंडा दिया और वो क्रैक हो गया। इनके लिए उन्होंने स्पेशली बोला था कि एक घर बनाना पड़ता है, एक दो महीने में ये अंडे देंगे, उसके बाद उसमें घर बनाना पड़ता है, उसमें ये अंडे देते हैं। अब अभी तो लेकर आए हैं और अभी इन्होंने अंडा दे दिया, तो उसके वजह से वो क्रैक भी हो गया, क्योंकि नीचे कुछ था नहीं, बहुत तो खोला। जगह चेंज हुई है, इसी वजह से ना ये डर गए हैं, और डरने की वजह से शायद इनका भी जल्दी अंडा आ गया है। दोस्तों से अलग, रहते तो ये पिंजरे में ही है ना। बोला 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 क्या बोला बोला इसने बात करी है? आवाज में लगाई इसने मिठू? ये बोलते नहीं है, बोलते नहीं है जे, तो ही बोल दिया कर इनकी जगह। हेलो मिठू बेटा, तेरा अंडा भी निकल गया डर के वजह से। कौन साथ हो चुका है और मेरा कुछ मुंह कर रहे थे, इसलिए मैंने समोसे और चटनी मंगाई है। चलिए इसका आनंद लेते हैं और फिर मैं आपको छत पर लेकर जाऊंगी, और बच्चे कैसे पतंग उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो आपको कुछ लड़ रहे हैं साथ से, हमारे पतंग उड़ा रहे हैं। निशांत हाँ साइड में रखा होगा, और निशांत चरखी दिखा रहे हैं, पोक काटे। ये ले, ये हुई बात। किसकी थी ये? जो लगा था इसके आज तक नहीं काट पाए, ये सामने वाले जो इनकी कटी है, ये जो कट के जा रही है ना। हाँ हाँ इसकी, वो कौन किसकी है? ये यहाँ से कहीं उड़ा था, बहुत अच्छा मान लिया उसका, आज तक नहीं काट पाए उसकी है, आज काट दिया साथ में ने। कमाल तो मेरा है, मैं दे रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया है। जो अंडा निकला था उसमें उनका इंतजाम हो रहा है, वो कटोरी में रेत रेत भर के और उसके ऊपर रख देंगे, जिससे कि वो और क्रैक ना हो। हो सकता है कि थोड़ा ठीक हो जाए वो, या आगे उसका कोई चांस हो। आवाज़ आवाज़ यार, क्या कर रहे हो तुम? आराम से यहाँ कॉर्नर में रखो ना। नहीं पानी तो निकल गया इसमें से। ऐसे छोड़ देते होंगे अंडे को, एक के लिए कुछ घास वास यहाँ नीचे रखनी पड़ेगी। तो उसको ही पता नहीं होगा। डर रहे हैं मेरे साथ, क्या कर रहे हो? तो ये हमने अंडा इसके ऊपर रख दिया है, ताकि और क्रैक ना हो, और अंडे के ऊपर ये बैठ सके। कल जाके घास वास ले आना, थोड़ी सी सूखी सूखी जो घास होती हैं।
गाइस मिली हमें राधा जी से। आज उन्होंने बहुत सुंदर रंग की ड्रेस पहन रखी है, पिंक कलर की, और कान्हा जी ने रेड कलर का पहन रखा है। ये इनका थोड़ा साइड में कर देते हैं और फिर आपको मिलाते हैं। जय जय श्री राधे। और नितिका के कान्हा जी जो हमारे यहाँ आज आए हैं, इनके भी राखी बंधी है बड़ी प्यारी सी। देखो इसमें लिखा है ब्रदर लिखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें कान्हा जी। तो कमेंट में जय राधे बोलिए। जय श्री राधे। सुंदर सुंदर ड्रेस पहन रखी है सब लोगों ने। देखो सारे कन्हैया ने, और ये हमारी राधा जी हैं, ये हमारे कन्हैया जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इन्हें हम दाऊ जी बोलते हैं, इनके बड़े भाई हैं ये। अच्छा सुनो, अब बाय तो कर दो, अपने खाना वाना खा ले, नहीं करने चल रहे हैं। तो गाइस हमारे कैंडल का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है क्योंकि हवा बहुत चल रही है और वह जल नहीं पाएगा, इसीलिए हम कल जलाएंगे या फिर 15 अगस्त को सारी कैंडल्स जलाएंगे। तो अब चलते हैं हम सोने के लिए। गुड नाइट, जय सियाराम।